रोहन का बेटा लंबे समय से गायब था। एक लंबे शिकार के बाद पुलिस को चार बच्चे मिले, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया। ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। ए और सी एक लड़की है क्योंकि उन्होंने चोटी बना रखी है, और डी भी एक लड़की है क्योंकि उसने नेल पॉलिश लगा रखी है। तो बी चारों में से एकमात्र लड़का है। अब चलते हैं दूसरी पहेली तरफ। पेरिस में एक प्रेतवादित घर था, किसी ने उस घर में जाने की हिम्मत नहीं की। एक दिन चार दोस्तों ने उस घर में जाने का फैसला किया। वे अंदर गए और बहुत सारी तस्वीरें ली। जब उन्होंने तस्वीरें देखना शुरू किया तो वे बहुत डर गए और घर से भाग गए। क्या आप इन चार चित्रों को देख सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन उन्हें डराता है? ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। आंसर है डी। तस्वीर में चारों हैं और सेल्फी ले रहे हैं। सेल्फी लेते हुए उनकी तस्वीर किसने ली? डरावना। अब चलते तीसरी पहेली तरफ। अपनी जगह पर एक पार्टी के दौरान रे की हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच के लिए प्रसिद्ध जासूस मेहुल को बुलाया गया था। मेहुल को रे के चार दोस्तों पर संदेह है जो पार्टी में मौजूद थे। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? ऑप्शन है जूलिया, रयान, अप्रैल, रोबिन। आंसर है रे रयान की शर्ट का एक टुकड़ा पकड़े हुए हैं, जिसका अर्थ है कि दोनों के बीच एक लड़ाई हुई जिसके कारण रे को मार दिया गया था। अब चलते हैं तीसरी पहेली की तरफ। रे और उसकी पत्नी ग्लेन के पास एक पालतू कुत्ता आश्कर था, जो अपने मालिकों रे और ग्लेन को छोड़कर सभी पर भौंकता था। इस जोड़े ने एक पार्टी का आयोजन किया जहां आश्कर आने वाले सभी लोगों पर भौंकता था। उनके पड़ोसी एवी चिढ़ गए और रे के साथ गर्म शब्दों का आदान प्रदान किया। अगले दिन रे को मार दिया गया। रे के पड़ोसियों ने तेज़ आवाज़ सुनी और फिर एक बंदूक की गोली। मेहुल घटना स्थल पर पहुंचा और आश्कर को उन पर भौंकते हुए पाया। उन्होंने संदिग्धों से पूछताछ की। ग्लेन रे की पत्नी, मैं आज सुबह बाहर गई थी इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। अभी मैं सुबह रे के चिल्लाने की आवाज़ सुनी और फिर गोली की आवाज़। मेरा उससे झगड़ा हुआ था लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। ऑप्शन है ग्लेन एवी। आंसर है पड़ोसियों ने सिर्फ बंदूक और चीख की आवाज़ सुनी थी, आश्कर के भौंकने की नहीं। यानी घर में कोई नया आदमी नहीं आया था, वह ग्लेन था।